प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होता है। आज आपके भी लाइफ में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप सोचोगे यार गिव अप कर देते हैं, आप एक्सक्यूजेस ढूंढोगे, और जो फाइटर होता है वो रीजन ढूंढता है कि क्यों करना चाहिए, ठीक है। और आपको क्या लगता है यही आपकी लाइफ की आखिरी और बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है ना? देखो एक तो होता है कि जिनको मतलब ही नहीं है कि यार हमें नहीं पढ़ना है, ऐसी किसी का ठीक है हम देख लेंगे जो होगा तो देखा जाएगा। एक होता है जिनको चिंता तो होती है लेकिन फिर वो कुछ करने में बहुत टेंशन लेते हैं, मतलब वो बहुत सारे उनको कारण बता देते हैं, वो सर मेरा ये कारण था मेरा वो कारण था, लेकिन रियलिटी अगर तुम अपने दिल से पूछोगे ना, दिल से पूछोगे तुम अंदर से तुम्हारे यही आवाज आएगी अगर तुम पूछोगे कि यार क्या सच में ये कारण है, क्या असली कारण है क्या, ये कहीं ना कहीं से आवाज आएगी नहीं ये कारण नहीं है बस ये तुम बना रहे। एक होता है ना कि एक्सक्यूज यार स्कूल वालों की वजह से, उन्होंने मेरे को टाइमिंग दिया पढ़ने के लिए इसलिए मैं नहीं कर पाया, अगर वो टाइम देते तो मैं कर लेता, ये एक्सक्यूजेस हो जाते हैं। जो सक्सेसफुल होते हैं उनके पास भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रहती हैं। जो ना करते थे इज्जत उनके सलाम आने लगे, जो ना करते थे इज्जत उनके सलाम आने लगे, वक्त बदला तो नीम पे आम आने लगे। ये हमारे पिताजी हमसे हमेशा कहते कि हम तो बेटा मध्यम वर्ग के लोग, हम कौन सा मुगल खानदान के लोग, तो तुम ये कभी मत सोचना कि तुम हारोगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तुम अकबर के बेटे थोड़ो, तुम तो एक डाकखाना के बाबू के बेटे हो, तो तुम्हारे हारने से तुम्हारी बेइज्जती तो कभी होगी ही नहीं। तारीफ कुछ लोग जरूर करेंगे कि फलाने का लड़का लड़ाई किया, आपको क्या डरने की जरूरत है सर, आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो आप कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं सर। ये सब दिशा सूचक यंत्र है, गाली आलोचना। पर हमारे मिडिल क्लास के पेरेंट्स हमको बहुत डराते हैं, बहुत पेरेंट्स बेटा बेइज्जती मत कराना, मैं तुगलक वंश के हो बेइज्जती मत कराना कि मौर्य वंश के हो। अंबेडकर की बेइज्जती हुई उन्होंने मजा लिया भगवान बन गए, गांधी की बेइज्जती हुई उन्होंने मजा लिया भगवान बन गए, चाणक्य की बेइज्जती हुई मजा लिया भगवान बन गए। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन में, जिंदगी में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी चीज होती है। तो सरदार खुशवंत सिंह जी ने लिखा है कि एक बार एक सरदार जी कहीं जा रहे थे और उनको एक चिराग मिल गया पड़ा हुआ, तो उन्होंने वो अलाउद्दीन का चिराग वाली कहानी पढ़ी थी हम सबने पढ़ी, तो उन्हें चिराग को घिसा तो उसमें से जिन्न बाहर निकला, तो उन्होंने उस जिन्न से कहा, उस जिन्न ने कहा कि मेरे आका आप मुझसे तीन वरदान मांग लें। तो उसने कहा भाई काम कर तू मुझे एक शराब की बोतल दे जिसमें शराब कभी खत्म ना हो। उसने कहा ठीक है, दे दिया एक बोतल। वो बैठ के सरदार जी पीने लगे बोतल जैसे खत्म हुई फिर भर गई। सरदार जी तो बड़े खुश हुए कि वाह यार क्या बोतल हाथ लग गई। तो जिन ने कहा कि आका बाकी तो भी मांग ले। बोले यार छाड़ यार तू दो ऐसी और बोतल दे दे खत्म। ये होती है इनोसेंसी। जिंदगी के आधे जीवन में माने चलाया कि शाम को आ जाना चमड़ी उधेड़ दूंगी तेरी और खा ले करेला, और बाकी की जिंदगी बीवी मॉनिटर कर देगी। एक बच्चा कान में उंगली करके बैठ जाएगा, दूसरा आंख में पेंट डाल देगा तुम्हारे, तुम्हारे लैपटॉप पे पानी डाल देगा, मोबाइल उठा के ले जाएगा पानी में डाल देगा, और तुम एकदम अरे तुम सोचोगे अरे भगवान ये क्या हो गया जीवन में। तब तुम खुद ही इधर भागोगे, इधर तुम खुद ही भजन करोगे। इसीलिए हिंदू अपने बच्चों के साथ जबरदस्ती नहीं करते, कहते नहीं नहीं बेटा, हिंदू बड़ी बड़ी समझदार कौम है इस मामले में, कहते नहीं नहीं पहले पढ़ो, पहले अर्थ, पहले पैसे कमाओ धन, फिर भोगो इस जीवन को। जब तक भोगोगे नहीं तब तक तुम्हें माया समझ में आएगी नहीं। इंटरेक्शन करिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। स्टूडेंट सन्यासी और भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती, तो अगर हम अपनी इज्जत बचा रहे हैं तो अगर मतलब एक गलत खेल खेल रहे हैं। तो तीन लोगों की कोई इज्जत नहीं होती, अगर वो इज्जत के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, एक स्टूडेंट होती नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग क्लास में क्वेश्चंस नहीं करते टीचर से डर के मारे कि बेइज्जती हो जाएगी।